तो हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो स्टार्टिंग द व्लॉग विद टुडे प्लम के स्किन केयर से। आज मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आई विल डू द स्किन केयर ऑफ प्लम, काफ़ी टाइम से नहीं करा एंड क्लीन अप कराना ही था। तो स्टार्टिंग ये करते हैं कि मैंने थोड़ा फेस वॉश किया एंड आई विल डू द स्क्रब एंड उससे पहले मैं गिम्बल ढूंढ रही हूँ, गिम्बल मिल जाए। मैं गिम्बल कहाँ पड़ा है मेरा, वो चार्ज नहीं है ऐसे ही। आज इसको चार्जिंग पे लगाया जाएगा, उसके बाद प्रॉपर गिम्बल से शूट का व्यूट किया जाएगा। सो हम चलते हैं सीधा अपना स्क्रबिंग वगैरह करने के लिए। स्क्रबिंग वगैरह के बाद हमारे पास ये फेस मास्क भी है। सो फाइनली स्क्रब हो गया है। स्क्रब करने के बाद हमें इन इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हम क्या करेंगे, ब्लैक हेड्स रिमूव करेंगे। ना ब्लैक हेड्स वाली वो मंगवा रखी है स्टिक, मैं उससे थोड़े बहुत रिमूव कर लेती हूँ। ब्लैक हेड्स नहीं है, बेसिकली वाइट हेड्स है जो नोज़ के साइड में होते हैं। थियरी ब्लैक हेड वाली स्टिक जिसको मैं धो चुकी हूँ। एक कॉटन लेंगे हम, इसमें से निकाल लेते हैं थियरी। कल मैं फेस वाइप्स ढूंढ रही थी और फेस वाइप्स यही साइड में पड़े थे, दिखते नहीं मुझे, स्ट्रेंज। तो हम सबसे पहले फेस हमारा थोड़ा बहुत रॉयल है, हम पहले थोड़े से ब्लैक हेड्स हटा के देखते हैं कि हटते हैं नहीं हटते हैं, उसके बाद फेस पैक लगाते हैं। मैं इसका प्रोसीजर इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं रिकॉर्ड करने के लिए। सेकंड ना मेरे पास मतलब गिम्बल मेरा चार्ज नहीं है, सेल्फ स्टैंड मेरे यहाँ तक आ नहीं सकता। तो बेसिकली करते हैं कि हम इसका जो ये वाला एज होता है यहाँ को हम अपने मतलब इस वाले एरिया में लगा के एंड देन रिमूव करते हैं। अगर थोड़े बहुत होते हैं तो आ जाते हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट डन हो गया, नितने के प्रोसीजर इसी मिस्ट है, मैं इस मिस्ट को छिड़कूंगी, टैप टैप करेंगे स्किन को। बहुत थोड़े से आते हैं मेरे मतलब ऐसे नहीं, क्योंकि स्क्रब से रिमूव हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्लम, प्लम का पीना तो है गाजर का जूस। और अब मैं थोड़ी जाऊंगी अब लेने के लिए, एक जाती हूँ लेने फिर चलते हैं एक बार, मैं मुँह का कर लूँ। मैं और मम्मी भी गाजर का जूस पीने जाएंगे, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है इसमें। देखो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, अब देखो मेरी इतनी लापरवाही है गाइस। अब मैं क्या दे रखा, मैं ये स्पेशली स्टिक दे रखी होती है लाइक अप्लाई करने के लिए अपने फेस पैक को, ताकि आपकी उंगलियां गंदी ना हो। एंड ये प्रॉपर ये पूरा नया आया है कुछ दिन पहले ही, ये मेरा ख़त्म हो गया था लिटरली, बहुत अच्छा, तभी मैंने सेकेंड टाइम ऑर्डर किया, अदरवाइज मैं नहीं करती। सो स्टार्ट करते हैं। फाइनली हमारा पैक वैक लग गया है। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है, ये मैंने अपना स्क्रब यहाँ रख दिया। ये मेरी वो स्टिक थी नो ब्लैक हेड्स वाली, कॉटन मैंने रख दी जिससे ब्लैक हेड्स हटाए थे। डब्बा हम बंद करके रख देंगे क्योंकि अभी आगे यूज ही होना है। हो गया, चलो यहाँ पे इसको रखेंगे हम नीचे। कुछ टाइम पहले ना मैं ये स्विस ब्यूटी का वो लेके आई हूँ मेकअप फिक्सर, एंड मेरे को ये सुना है कि बहुत अच्छा है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी एंड आई विल टेल यू द रिव्यूज़। जो जो लड़कियाँ ये ब्लॉग देखती हैं, रेस्ट मेरा ये वाला फाउंडेशन सच्ची में बहुत अच्छा काम करता है। अब हम क्या करेंगे, पन मम्मी मासी से बाहर बात कर रही हैं, मम्मी मासी से बाहर बात कर रही हैं। तो इतने में हमारा ये अप्लाई हो गया है एंड लेट्स वेट फॉर 15 मिनट्स। तब तक मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, रेस्ट इस पैक को इसका काम करने देती हूँ ना कि इसमें कुछ यहाँ से थोड़ा अच्छे से लगाने की ज़रूरत है ह्यूमनली वो लव। क्या बोलूँ, शर्मा क्यों रहे हो, क्या बोलूँ, ये आप कहाँ से लाए हैं ये ट्रैक सूट मैम? नजराना से मैम। ओके, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है। कलर कौन सा लग रहा है आपको इसका? ये ग्रे कलर है, स्टील ग्रे कलर है ना, प्रॉपर भी ग्रे नहीं पर अच्छा कलर है ना। दिस इज माय फेवरेट कलर यू नो। आपको भी दिला देते हैं, चलो चलिए दिलाइए, चलो शाम को चलो। चलिए कहाँ जा रहे हो आप? अभी मैं स्कूल से आई हूँ, मैं घर जा रही हूँ। अभी मैं ऊपर भी नहीं गई, अब जाऊंगी। वाह, ये मैं कल लेके आई थी, मतलब चाची को भी पसंद है, आपको भी पसंद है? खा ले यार, खा ले, तुम्हारी मर्जी है फिर। आपको पसंद है ये? हाँ। यही वाली पसंद है आपको भी? हाँ। आपको भी ले आएंगे, खा ले यार, खा ले। ओहो काजू खिला दो, काजू का भी है, तले काजू भी पड़े हैं इस डब्बे में। पिता ये तो खाना चाहिए, शिनाया को पता नहीं है मैं यहाँ हूँ। फाइनली मैं आ गई हूँ नागे, दिस इज़ माई रॉ स्किन। सारा क्लीन विन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ बालों पे सीरम लगाना
मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड डे क्रीम वो लगानी है, ठीक है। ये रहा मेरा मॉइस्चराइजर। मम्मी चले, अब मैं मम्मी के साथ जूस पीने जा रही हूँ, हाँ वो लगा के चलते हैं। ये रही मेरी डे क्रीम एंड सनस्क्रीन, का है मेरी प्योर फेस वॉश। हम व्लॉग करते हैं ना, व्लॉग के चक्कर में हमें आधी चीज़ें मिलती नहीं, वैसे तो हमें मिल जाती हैं सारी चीज़ें, बट व्लॉग के चक्कर में आधी चीज़ें पता नहीं कहाँ हो जाती हैं, समझ ही नहीं आता मुझे। व्लॉग करते करते मैं बोलती हूँ सनस्क्रीन कितने है, तो सनस्क्रीन मेरी गुम हो रखी होती है पता नहीं कहाँ। कल हालांकि मैंने यही यूज़ करी थी, ये भी नहीं पता भाई साहब। नाइट ये ना थोड़े सैशे आए थे, फ्री गिफ्ट जो प्लम भेजता है सबको, ये वो है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से है। तो चलो यार हम पहले काम करते हैं इनसे, मॉइस्चराइजर और डे क्रीम से काम करते हैं। सनस्क्रीन में अंदर देख रहे थे क्या पता यहाँ मिल जाए, ये रही उसको यूज़ करते हैं। और वो डन, अभी हम रेडी हो चुके हैं प्रॉपर। ये भी नो मेकअप लुक है, अगर मैं इस पर टेंट लगा सकती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, फिर अपने लिप बाम वगैरह ट्राई कर सकती हूँ वो लगाऊंगी, लेकिन सच मैंने थोड़ा सा अपने चीक्स पे एंड अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया है ताकि रॉ लुक ही लगे। एंड हम चल रहे अपने रूम में। हर बार हर व्लॉग की तरह जैसे मैं बोलती हूँ कि आने से, बच्चों के आने से पहले मुझे ड्राइंग रूम साफ़ करना पड़ता है, मुझे यहाँ पे पानी की बॉटल रखनी पड़ती है, मुझे सारी चीज़ें थोड़ी अरेंज करनी पड़ती है, तो मैं वही अरेंज करूँगी। वैसे तो 4:30 बजे आना उन लोगों ने, अभी तो टाइम आई गेस 3:00 बजे, अभी कुछ 2:30 होंगे, आई गेस 2:49 3 बजने वाले हैं। तो ये है, पहले मुझे अपना लैपटॉप चार्जिंग पर लगाना है, मेरे लैपटॉप की बैटरी भी लो हो गई है, तो उसको चार्जिंग पर लगाते हैं, मम्मी के साथ जूस पी के आते हैं, फिर आपको मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, आपको भी लेकर चलते हैं जूस पिलाने के लिए। मम्मी मम्मी और मैं आते हैं यहाँ पे जूस पीने के लिए, गाजर का जूस, सुभाष चौक पे ये वाले भैया बैठते हैं, मम्मी के साथ ही आई हूँ। हाय हाय, मेरी मम्मी को पकड़ना ही नहीं आता भैया, टेढ़ा पकड़ा है। करेले का जूस भी बनाते हैं, लोग आके पिए सुभाष चौक पे। भैया क्या नाम था आपको दोबारा बताना? मेनू। काफ़ी अच्छा जूस है, कोई मिलावट नहीं है। हम घर पे भी विंटर शॉपिंग भी कर रहे हैं, जूस पीने गए थे, गर्म चादरें ले आए हैं बेड पे बिछाने की, एक बिछा के देखेंगे अभी कैसी है। भगवान क्या करो, कुछ भी ले लोगे। जब उन्होंने दिखाया ना 4,000 का चाहिए सेट, मैं कहा भाई मत दो ही नहीं है के लिए रखेंगी मैं तो अपनी दुकान से भाई लेना ही नहीं। ये जोड़ी जा रही है, जोड़ी जा रही है, 8-7 साल बाद वो फैशन कम हो जाएगा। आ जाओ पीपल, ये है हमारी विंटर शॉपिंग। हम लेके आए हैं आज ये मतलब किंग साइज बेड की चादर, गर्म चादर, एंड ये काफ़ी अच्छी है। लाइक अगर मैं आपको इसकी लाइट बंद करके दिखाऊँ ना, क्योंकि लाइट चलने की वजह से थोड़े कलर ऐसे हो जाते हैं ना, देखो हो जलानी पड़ेगी, तो इस हिसाब की बहुत सुंदर है। दूसरी साइज वाली भी आ जाती। एक हम लेके आए अपने दीवान बेड की, दीवान पे भी लगाएंगे अभी हम, अच्छे मैं कह रही हूँ इस रूम के हिसाब से। हाँ, अलमारी है ना, ये ले रही थी फूल पत्तियों वाली, लेकिन इनको थोड़ा स्टैंडर्ड सिखा रहे हैं। हम लेके आए हैं दीवान बेड की, अभी हम दीवान बेड पे भी लगाएंगे। दीवान बेड की आएगा इस मम्मी ने, मम्मी दीवान वाली कहाँ पड़ी है? आरती के हम दो लेके आए हैं मतलब मेरे इस रूम की, ताकि हम लगा सकें, हम उसको भी लगाते हैं। गाइस ये एक और चादर आई है, ये है मेरे ड्राइंग रूम की दीवान बेड की, बिल्कुल ड्राइंग रूम से मैचिंग पर्दे के साथ हमने ये वाला मतलब कलर ले लिया, एंड कुशन भी मेरे साथ ही मैच करता है जो मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला था, सो काफ़ी सही है। दैट्स इट, एंड अब ड्राइंग रूम हो रखा है बहुत मेसी, अब हमें करना पड़ेगा थोड़ा साफ सफाई। ये पीपल ड्राइंग रूम समेट गया है, लाइक ये जो आपको दिख रहा था ये सोफ़ा इतना मेस्ड अप था वो हटा दिया गया है, उसके बाद वहाँ पे टेबल वेबल सब साफ कर दी गई है, यहाँ पे भी सारी चीज़ें, यहाँ पे सिर्फ स्पीकर है ना, ये वाला टेबल थोड़ा ऑक्यूपाइड रहता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मेन सामान पड़ा है मेरा। ये मेरे अगेन पेन स्टैंड मार्कर ब्रश, उसके बाद ये मेरा पेन है, थोड़े से मेरे रजिस्टर हैं, इसमें नोट्स हैं, ये मेरा मैकबुक,
अपना पानी की बॉटल, ग्लासेस, एक माउस, क्योंकि बच्चों को अगर माउस चाहिए हो तो स्पेशली, वो रिंग लाइट शूटिंग के लिए, ये मेरा वाइट बोर्ड जो प्रॉपरली आज साफ़ कर दिया गया है, एंड अगेन ये रही मेरी क्या कहते हैं उस वाइट बोर्ड का स्टैंड। और ये वाली ना मेरे आने का मेरे पास शाम को ही टाइम होता है स्पेसिफिकली, सो वेट करते हैं बच्चे एक एक करके आते हैं और फिर आज हम उन्हें पढ़ाते हैं, और उसके बाद मैं शाम को जाती हूँ, देखती हूँ कि क्या मेरा रूटीन रहने वाला है, मैं कैसे क्या क्या लेके आने वाली हूँ वो। और वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने अपना गिम्बल भी चार्जिंग पे लगा दिया है, एंड ये बार इसको वो स्टैंड भी, मतलब वो जो ये रेड कलर का आपको स्टैंड दिख रहा होगा, मेरे पास डोरेमोन वाला भी एक, ये वाला भी मिनी का है, इसको दे के आना है, उसको ये देंगे। एंड देखो भाई ये, आई होप ये वाली चादर आप लोगों को अच्छी लग रही हो, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मम्मी और मेरी चॉइस थी ये गर्म बेड की चादर है, क्योंकि मेरे को यहाँ ठंड लगती है, ड्राइंग रूम बहुत ठंडा हो जाता है क्योंकि शीशे यहाँ पे जो विंडो है शीशे वाले हैं, और मतलब मोस्टली सारा ओपन ही रहता है क्योंकि वहाँ पे हमारा ये मेन एंट्रेंस है, इसके साथ में यहाँ पे अगर आपको जो पर्दे दिख रहे हैं ये मोस्टली खुला रहता है, शाम को खुला ही रहता है क्योंकि साईं बाबा का पाठ होता है जब होता है, तो ये पूरा टाइम खुला था, और कल तो बंदर भी आ गए थे और मैं अंदर बैच ले रही थी, फिर हमने अंदर से बंदर मतलब बंद बंद किया, फिर मेरे चाचा नन्नू आए थे भगाने के लिए उन्हें, तभी मतलब बहुत ठंडा रहता है ऊपर, नीचे तो फिर भी यू नो नॉर्मल टेम्परेचर फिर भी नॉर्मल रहता है, ऊपर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है, ये चीज़ है यहाँ पे। सो ये छोटी छोटी चीज़ें करके सून मैं आप लोगों को अपना हाउस टूर भी दूंगी, अगर आप लोगों का हाउस टूर चाहिए मेरा तो डू कमेंट, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि हमें हाउस टूर चाहिए जॉइंट फैमिली का, तो पक्का हाउस टूर भी आएगा। गाइस अभी ना मैं इस ब्लॉग को एंड करूँ, ये दो पार्ट में आ रहा है, एक दूसरा पार्ट होगा कि रितु का आज बर्थडे हमने सेलिब्रेट करा, ये ब्लॉग कंटिन्यू होगा तो कल आएगा वो पार्ट, तब तक हम इसको एंड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने बैच पढ़ाना था, आपने वहाँ तक देख लिया होगा, लेकिन पढ़ाई हुई नहीं, आज पार्टी हुई, और मैं छक्का, आज पहला दिन था कॉलेज का, कैसे लगा देखो, बढ़िया मजा है।